बाकी देख लेना टोटल कितने अंडे हो गए। और ये देखे हैं 6 अंडे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो वाकई अजीब सीन हो गया आज कि भाई ये एक मुर्गी जो है वो एक दिन में 2 अंडे भी दे रही है। अच्छा इस दफा जो है वो लोमन ब्लैक को भी चेक करेंगे क्या रिजल्ट आता है। अच्छा ये जो लोमन ब्लैक के अंडे है ना, अभी बात एक बाघ है, दो दिन डायलॉग बड़े मशहूर है। अड़ास के काम है, अड़ास के काम क्या होते हैं जरा बताओ। अच्छा भाई दोस्तों अभी सीन ये है कि अभी मैं बैटरी लेके आया हूँ, और अब क्योंकि मुझे बाहर जो है एक दोस्त से बोला है काशी भाई ने अच्छा काम किया है, अभी इनके पैसे नहीं बढ़ा देना तुम, सही है। अच्छा भाई दोस्तों हैचर की अपडेट ये है कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह चूज़ा जो है वो तकरीबन बाहर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों इस वक्त मास्टर केज पर जो है वो माशाल्लाह से पेंट भी स्टार्ट हो चुका है, और ज़रा अंदर से आपको कंडीशन दिखा दूँ कि अभी जो है मैं इस पर प्राइमर करवा रहा हूँ, ज़रा अंदर से दिखाऊँ मैं आपको। ये जो है वो अभी प्राइमर का कोट हुआ है इस पर, और ये सब जो है वो प्राइमर अभी इस पर हो रहा है, और प्राइमर के बाद जो है फिर इंशाल्लाह ऑयल पेंट मैं स्टार्ट करवाऊंगा। तो रियाज यहाँ पे जो है वो कलर कर रहा है। अच्छा बीम पे जो है डायरेक्ट ऑयल पेंट ही होगा, और ये लकड़ियों पे पहले प्राइमर, असल में प्राइमर लकड़ियों पे यूँ ज़रूरी है कि लकड़ी जो है पेंट पेंट को बहुत ज़्यादा पीती है, तो अगर डायरेक्ट ऑयल पेंट करेंगे तो ऑयल पेंट के 2 या 3 कोट हो सकते हैं, जो कि एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और सही भी नहीं। वैसे भी जब कोई चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग में जिस पर पेंट होता है उस पर लाजमी प्राइमर लगता है, तो प्राइमर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ऑयलमेंट पे इसका हाथ लगवाएंगे। तो पहले मैं अंदर से स्टार्ट मैंने इस वजह से लिया है कि अंदर कंप्लीट हो जाता है कि मुर्गिया हम इसमें छोड़ सके, और बाहर पे इंशाल्लाह इस पर चले आएंगे। और आयर अभी यहाँ पे मौजूद है, पेंट देख रहे हैं। यार कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब छुट्टी आज तो आयर की है, आज आप हाँ 2 दिन की छुट्टी। अच्छा पार्टीशन जो है वो उनका करना है, तो यहाँ से बेसिकली मैं ये यहाँ से एक पट्टी आज इंशाल्लाह लाऊंगा, और पूरा जो है हम इसको पैक कर देंगे यहाँ से, और जो हमने बॉर्डर का हमने जो प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह बॉर्डर पे काम करेंगे इस पर, ताकि कल जो है वो इंशाल्लाह इसमें चूज़े हम छोड़ दें बॉर्डर के लिए, और बाकी वायरिंग वगैरह जो होगी इंशाल्लाह वो भी इस पर भी काम करेंगे। बाकी लेट हो गया थोड़ा सा, मैं अभी 11:15 हो रहे हैं, लोमन ब्लैक्स को खोला नहीं है, इनको ज़रा ओपन कर लेते हैं। अरे आप खोल लेंगे, खोलें आप। अरे अंडा भी आया हुआ एक, आ जाओ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ऑल्टरनेट देती है मेरे ख्याल से, एक मुर्गी एक देती है दूसरी पे अगले दिन दूसरी मुर्गी देती है। चलो भाई अंडा आ गया है। अच्छा फीड मैंने इनकी ऐड कर दी थी, वहाँ पे मैंने पानी भी ऐड कर दिया है, तो अंडे को हम अपनी जगह पे स्टोर कर लेते हैं। तो भाई हैचर की अपडेट लेते हैं क्या है। और भाई माशाल्लाह माशाल्लाह एक जो है वो अंडा इसमें क्रैक हो गया है, ये आप देख सकते हैं 7 तारीख वाला। और अच्छा सारे ही 7 तारीख के हैं, बट उसमें से एक ही हुआ है अभी तक क्रैक, बाकी जो है वो किसी में कोई साइन नहीं आया क्रैक। अच्छा 20वां दिन है आज इनको, 18, 19, 20, हाँ आई थिंक 20वां दिन है आज इनको, और 20वें दिन ही जो है माशाल्लाह से क्रैक हो गया ये। तो ये हमारे जो है वो हैचर की अपडेट है, इनक्यूबेटर फिलहाल ऑफ चल रहा है, और चूज़ों की अपडेट लेते आ रहे हैं, चूज़ों को खोले। और चूज़ों की हमारी क्या अपडेट है, पहले छोटे वालों से स्टार्ट करें। ये देखिए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह सारे हेल्दी एंड एक्टिव है, और ये वाले माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये जो है ना पानी माशाल्लाह से सारा पी लेते हैं रात को, तो सुबह में उठा था तो पानी नहीं था, ख़त्म हो चुका था, तो मैंने अभी सुबह ही सुबह पानी इनका थोड़ा सा ऐड किया था। आज चूँकि इनको मल्टीविटामिन का पानी हमने ऐड करना है, तो मैंने थोड़ा सा ऐड इनको सादा कर दिया था, ताकि ये प्यास वगैरह अपनी बुझा लें, क्योंकि बिल्कुल ही पानी ना होना इनके पास वो भी जो है वो सही नहीं है इनके लिए। तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह इनका मल्टीविटामिन का पानी बनाएंगे। और ये हमारे चूज़े हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों जो है वो माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव है। अच्छा बाकी लोमन ब्राउन्स की भी अपडेट ले रहे थे, लोमन ब्राउन्स उनसे हम RIR एंड फैमिली। अच्छा इनको मैंने खोला हुआ है फीड के लिए, बट अभी पानी के लिए अभी नहीं खोल रहा इनको मैं, फीड तो इन्होंने अच्छी खासी खा ली है, पानी के लिए थोड़ी देर में खोलेंगे इनको। और अंडे इनके चेक कर लेते हैं सुबह सुबह कितने आए भाई, अंडे यहाँ देने के लिए बैठे, एक उधर है वो तोड़ दिया, ओहो अंडा टूट गया भाई ये, तो मुझे लग रहा है इन्होंने ऊपर बैठे बैठे अंडा दे दिए। अरे ये तो नुकसान हो गया आज हमारा है, एक अंडे का है, और बाकी तो 4 अंडे तो मुझे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से यहाँ पे, और एक अंडा शायद ये दे रही है, इट मीन्स के अगर ये अंडा दे रही है तो ये 5वां अंडा होगा, 4 अंडे नज़र आ रहे हैं, और 6ठा अंडा वो है जो वो टूटा हुआ है। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह सुबह ही काफ़ी अंडे आ गए, मगर अफसोसनाक तौर पर एक अंडा जो है वो टूट चुका है, तो उनको थोड़ी देर में इंशाल्लाह खोलेंगे पानी के लिए। तो अभी असल में मेरी वीडियो एडिटिंग रह गई है, अभी जो मुझे पोस्ट करनी है वीडियो उसको कंप्लीट करता हूँ चल के, उस वीडियो को पोस्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह आगे इनका सबका जो है वो मल्टीविटामिन का पानी बनाएंगे। अच्छा भाई दोस्तों मैंने मल्टीविटामिन का पानी बना लिया सबका, और सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं चूज़ों में, चूज़ों का पानी जो है वो ख़त्म हुआ है काफ़ी देर से,
तो इनका रिएक्शन चेक करते हैं भाई मल्टीविटामिन के पानी पे। बिस्मिल्लाह, बड़े वाले भी इधर ही आ रहे हैं, देखिए इनको देख के। आओ शाबाश, आओ पियो पानी। अभी लग रहा है प्यासे नहीं है ज़्यादा। अच्छा भाई इनको भी ऐड कर देते हैं। चलो भाई आप लोग इधर आओ, आराम से ज़रा, आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आराम से आराम से। हिलाओ नहीं ज़्यादा, गिरेगा पानी, हिलाओ नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटे वाले चूजों को चेक कर लूँ मैं, कोई सुस्त तो नहीं हो रहा। नहीं अभी माशाल्लाह सारे हेल्दी एंड एक्टिव हैं। तो भाई चूजों का तो हो गया पानी ऐड, माशाल्लाह अपना पानी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भाई लोमन ब्राउन्स को भी ऐड कर देते हैं। चलो भाई आ जाओ, पानी पीने का टाइम हो गया, आ जाओ आ जाओ। सारी आ गई। अच्छा सर्दियों में जो है उनको ज़्यादा प्यास सी लगती है, क्योंकि इस तरीके से इतने शौक से पानी नहीं पी रही। देखा वो आई, उसने अभी तक पानी नहीं पिया, वहाँ फीड की तरफ चली गई। फीड आई थिंक इनकी ख़त्म हो गई है। हाँ फीड मैं इनकी ऐड कर लेता हूँ। बाकी भाई ये तो भाई माशाल्लाह शौक से पानी पी रही है। अच्छा अंडा जो है वो एक टूटा हुआ था, बाकी देख ले रहे हैं टोटल कितने अंडे हो गए। और ये देखे हैं 6 अंडे, माशाल्लाह माशाल्लाह 6 अंडे ही आ गए और एक टूटा हुआ अंडा, वो 7 अंडे। ये तो भाई अजीब ही सीन हो गया भाई दोस्तों, ये तो वाकई अजीब सीन हो गया। आज 6 अंडे आपके सामने ये रखे हुए माशाल्लाह से, और एक अंडा वो टूटा हुआ है। अब तो भाई मुझे ये बात कंफर्म होती जा रही है कि भाई ये एक मुर्गी जो है वो एक दिन में 2 अंडे भी दे रही है, क्योंकि दूसरी दफा ये सीन ऐसा हुआ है। ये देखे भाई आपके सामने 6 अंडे ये रखे हुए और एक अंडा जो है वो टूटा हुआ वहां पे पड़ा हुआ है। तो भाई ये सीन हो रहा है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, 6 मुर्गियां जो है वो 7 अंडे दे रही है भाई, क्या बात है भाई माशाल्लाह क्या बात है। तो पहले तो शायद मैं वो इत्तेफाक समझ रहा था, पहले वो छोटा अंडा आया था, मैंने सोचा कि शायद वो सफाई फाई में कहीं नीचे रह गया था, तो सफाई में बाद में पता चला इसका। बट ये तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि 6 अंडे ये रखे हुए माशाल्लाह से और एक अंडा जो है बाहर वो पड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत ही गुड हो गया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, 6 मुर्गियां जो है वो 7 अंडे दे रही है, कोई एक मुर्गी इसमें ऐसी है कि जो एक दिन में 2 अंडे भी दे रही है भाई माशाल्लाह, क्या बात है भाई। चेक करें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, फीड इनकी ख़त्म हो गई, मैं ज़रा फीड इनकी ऐड कर दूँ। अच्छा भाई फीड मैंने ऐड कर दी है माशाल्लाह से, सब जो है वो फीड खा रही है। तो चलते हैं भाई लोमन ब्लैक्स की तरफ, यानी कि ब्राह्मण फैमिली की तरफ, उनको जो है वो मल्टीविटामिन का पानी ऐड करते हैं। चलो भाई आपको तो खैर अभी ये पानी मौजूद है, आप तो इसका मतलब इतने शौक से ये पानी अभी नहीं पियोगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पानी मौजूद है, फिर भी ऐड कर देते हैं। अच्छा भाई दोस्तों ऐसा तकरीबन 1:45 हो रहे हैं और आज मैं काफ़ी लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि आज वीडियो माशाल्लाह से काफ़ी लेंदी हो गई थी, तो अभी जस्ट मैंने वीडियो अपलोड करी है और आज तकरीबन 37 मिनट्स की जो वीडियो हो गई है। और आई थिंक मेरे चैनल पे अभी तक शायद मेरे ख्याल में इतनी बड़ी कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुई है। बहरहाल आपको कैसे लगी लंबी वीडियो ये कार्डनी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, तो कोशिश करेंगे फिर लॉन्ग वीडियो जो है पोस्ट करें। बाकी कलर का काम चल रहा है भाई, और यहाँ पर जो है वो रियाज जो है वो अंदर कलर का काम कर रहे हैं, जरा चेक करते हैं भाई क्या पोजीशन है रियाज ये। ओहो भाई बीम पे भी कलर हो गया भाई, आप देख सकते हैं ऑयल पेंट हो गया। अच्छा पहले मैंने प्राइमर करवाया था, प्राइमर के बाद अब ऑयल पेंट स्टार्ट हो गया, और देख रहे हैं तकरीबन ये अंदर का जो है वो कवर हो गया है। अच्छा ये इस पे भी करा है ना? अच्छा मैं ऑयल पेंट बेसिकली वो कार पेंट वाला करवा रहा हूँ, ये ऑटोमोटिव जो होता है इसका फायदा ये होता है फौरन सूख जाता है, यानी कि आप करते रहे पीछे 10 मिनट में जो है सूख जाता है। तो अगर मैं वैसे मैं इसको एक दिन दूंगा ताकि स्मेल वगैरह कलर की निकल जाए, फिर हम मुर्गियों को इंशाल्लाह ऐड करेंगे, वरना अगर ऑयल पेंट करते हैं तो एक दिन तो उसको सूखने के लिए चाहिए था और फिर एक दिन जो है उसको स्मेल निकलने के लिए चाहिए था, तो टाइम हमें काफ़ी लेट हो जाता। तो तकरीबन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है, तो फिर यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो फिर बाहर का जो है वो कलर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अच्छा कुछ जो है ना मुझे अभी आइटम्स लेके आने जो उसको हम शेड वगैरह यहाँ पे हैंग करेंगे, वायरिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं अभी सोच रहा हूँ जाके मार्केट से लेके आ जाऊँ, ताकि फिर शाम तक जो है मैं इसको वायरिंग वगैरह इसकी कंप्लीट कर लूँ। तो ये बेसिकली अभी तक का प्लान है। कलर हो जाएगा पूरा, ये कम तो नहीं पड़ेगा, दिखाओ कितना रह गया, तो ख़त्म हो गया कलर। तो मैं भी कलर भी लेके आता हूँ, ये वाइट वाला वाइट ही करेंगे, अच्छा ठंडा कलर लगता है वाइट वाला। और ये थिनर भी लाना पड़ेगा, पहले मैं जाके कलर लेके आता हूँ ताकि हाथ ना रुके,
और फिर इंशाल्लाह देखते हुए दूसरा काम होगा वो करेंगे। मुर्गा बचा रहे शोर, देखे जरा क्या सीन है। और सीन ये है कि मुर्गा यहाँ मौजूद है और कोई इन्होंने जो लिहाज नहीं रखा है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ से आ गई है, ये निकला हुआ है यहाँ से आ गई है। चलो भाई वापस जाओ, आज ये ऊपर से नहीं आई, आज ये नीचे से आ गई है। चलो चलो चलो, शाबाश, चलो शाबाश शाबाश। खैर ये तो पहले ही खा चुकी है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है खाने के लिए। अब क्या हो गया, भेज तो दिए सबको वापस, अब तो शोर मचा रहे हो। अच्छा कौए को देख के शायद शोर मचा रहा ही है। चलो मैं उस तरफ भी जरा देख लेते हैं क्या पोजीशन है। अच्छा भाई पहले मैं हैचर की अपडेट लूँ, कोई और मजीद क्रैक आया कि नहीं। नहीं भाई अभी और कोई क्रैक नहीं आया, ये इसी एक अंडे पे क्रैक आया हुआ है। अच्छा इस दफ़ा जो है वो लोमन ब्लैक को भी चेक करेंगे क्या रिजल्ट आता है। अच्छा ये जो लोमन ब्लैक के अंडे हैं ना, ये पुराने RIR के साथ जब मैंने रखी हुई थी ना लोमन ब्लैक, ये उस टाइम के अंडे हैं ये। तो अभी जो ब्राह्मण के साथ हमने लोमन ब्लैक रखी है उसका जो कलेक्शन मैंने वहाँ पर रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नए जो इनक्यूबेटर में उसको ऐड करेंगे तब जो है वो उसका रिजल्ट चेक करेंगे। यहाँ क्या पोजिशन है भाई, क्या पोजिशन है? हाँ भाई सब मौजूद है माशाल्लाह। अच्छा कलर जो है वो अभी मेरे ख्याल से अंदर का तकरीबन हो गया है, अभी रियाज जो है वो ब्रेक पे गया हुआ है तो वो आता है तो फिर इंशाल्लाह बाहर का मैं फिर कलर स्टार्ट करवा दूंगा। तो अभी अंदर का जो है वो जब मैंने देखा था लास्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। ये देखें भाई बीम वगैरह भी कंप्लीट हो गई है और अंदर का तो हाँ कलर जो है वो कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। बाकी सुबह एक अंडा तो उठा लिया था हमने, अभी तो फिलहाल कोई अंडा नहीं है। मतलब इनका लोमन ब्लैक का ये है कि एक दिन में एक अंडा आ रहा है, आई थिंक ये ऑल्टरनेट दे रही है अंडे। तो चूज़ों पर भी भाई एक नज़र डाल रहे हैं क्या कह रही है। हाँ भाई तुम क्या बैठे हुए ऊपर यहाँ पे मजे ले रहे हो, तुमने जो है वो नज़ारे करे हैं दोनों तरफ के, यहाँ पे भी देख रहे हो दीवार के, दीवार के उस तरफ भी देख रहे हो है। अच्छा भाई ये देख रहे माशाल्लाह माशाल्लाह सारे माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव हो रहे भाई। तुम लोगों को बस जल्दी इंशाल्लाह एक दो दिन में शिफ्ट कर देंगे, हम कोशिश करेंगे आज आप लोगों का जो है ब्रूडर कम्प्लीट करके कल इंशाल्लाह आप लोगों को शिफ्ट कर दें। तो देखते हैं भाई क्या तरतीब बनती है। अच्छा भाई दोस्तों अभी मैं मार्केट गया था और मार्केट से जो है पेंट लेके आया हूँ मैं, क्योंकि ये वाला पेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये वही सेम चीज़ लेके आया हूँ मैं और ये वही ऑटोमोटिव पेंट है, क्विक ड्राइंग यानी जल्दी सूख जाता है। ये मुझे डब्बा मिला है क्वार्टर का 900 रुपये का, बाकी इसके साथ जो है वो उसको डायल्यूट करने के लिए थिनर है, ये 160 रुपये का मिला है आधा लीटर, और इसके साथ जो बुरिश ले रही है 50 रुपये का। टोटल ये सामान तकरीबन 1100 रुपये का सामान आ गया। बाकी कलर की पोजीशन बता दूँ, अब यहाँ पे जो है अभी फ्रंट पे प्राइमर लग रहा है, ये यहाँ पे लग गया है प्राइमर, और ये अभी जो है वो प्राइमर लग रहा है, उसके बाद फिर जो है ये ऑयल पेंट स्टार्ट होगा। तो माशाल्लाह से प्राइमर से भी अच्छा लुक आ गया, ज़रा दूर से दिखा दूँ मैं। और वाइट जो है समझ लें कि ऐसा कलर है कि भाई अच्छा लगता ही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मुर्गियाँ देख रही हैं भाई, अपना नया घर तैयार हो रहा है इनका और कुछ दिन बाद इंशाल्लाह आपको भी इसमें जो है वो रखेंगे। फिर आज मैं इसकी सफाई करता हूँ और नया जो है वो लकड़ी का बुरादा उसमें ऐड करेंगे। और छोटा वाला यहाँ कैसे आ गया, ये देखें ये छोटे वाले भी फ्लाई करना शुरू कर दिए। देखें भाई कहाँ छुपा हुआ इसके नीचे, कहाँ छुपे हो तो ये देखें भाई छोटे वाले भी जो है उधर से उधर आना शुरू हो गए माशाल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों काशिफ की भी एंट्री हो गई है। अबे काशिफ क्या हाल है, काशिफ जरा काम पसंद कर रहे हैं लोग, एक दूसरे से बोला है काशिफ भाई ने अच्छा काम किया है, अभी इनके पैसे नहीं बढ़ा देना तुम, सही है पैसे वही रखना भाई। काशिफ वैसे एक बार मेहनत से काम करता है। अच्छा भाई कलर जो है वो हो चुका है और रियाज कलर करके जा चुका है, ये फाइनल लुक आया भाई कलर के बाद। पहले इस पर जो है वो प्राइमर किया था, प्राइमर के बाद जो ऑयल पेंट भी हो गया और ऑयल पेंट जो है वो ड्राई भी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। तो माशाल्लाह से अच्छा लुक आया काशिफ, अच्छा लुक आ गया यार पेंट के बाद है ना। अब ये कि इंशाल्लाह जब सेकेंड जब पोर्शन होगा ना इंशाल्लाह कम्प्लीट तो और अच्छा लुक आएगा। काशिफ छाती इसकी रेड कर देंगे, सही है थोड़ा कंट्रास्ट में अच्छी लगेगी भाई। ये माशाल्लाह से लुक आया हमारे पिंजरे का। आशिफ इसके बाद जो नीचे वाली पट्टी लगानी है पार्टीशन वाली, तो फिर ये पट्टी इंशाल्लाह लगा के इसकी प्लाई लगा के इसको पार्टीशन कर लेंगे। बाकी मैं देखता हूँ अभी जाके पर्दा इसका चेक करता हूँ, अगर वो जो लोमन ब्राउन में हम जो पर्दा लगा रहे हैं अगर वो उस पर आ गया तो उसी को यूटिलाइज कर लेंगे, वैसे आ जाएगा वो उसी पर, हाइट उसकी ज़्यादा है तो इंशाल्लाह आ जाएगा, इस हाइट के हिसाब से चौड़ाई जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। बाकी के इसके बल्ब आ रहे हैं, कोई सामान लेना है मुझे शेड वगैरह तो वो भी जाके मैं लियाकत आबाद से ले लेता हूँ। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वही है
कंप्लीट है, बस इसकी जो है वो लाइटिंग करनी है और पार्टीशन करना है, फिर हमारा जो ब्रूडर है ना वो तकरीबन कंप्लीट है। बाकी भाई लोमन ब्राउन्स में जो है वो इस पर्दे का कोई फायदा नहीं हो रहा, ये देखें दोबारा जो है वो दो दो तीन तीन दफा यहाँ पे आ चुकी है उन्होंने, यहाँ पे जो है वो सब गंदगी फैला दी है और पौधे तो खैर बचे ही नहीं है। तो अब यही प्लान है कि अब इंशाल्लाह इनको मास्टर केज में शिफ्ट करेंगे, तो बस ये कि एक दो दिन की बात और है, वो यहाँ पे घूमती फिरती रहेंगी, इंजॉय कर लेंगी, तो इनको फिर मास्टर केज में इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे। अब ये जगह इंशाल्लाह फिर साफ़ ही रहेगी, क्योंकि अंदर जो है वो जो भी हम ट्रायल ला के छोड़ेंगे, कम से कम जो भी अगर चूज़े भी रखते हैं तो फिर वो अंदर ही रहेंगे, उनको फिर बाहर निकालने का कोई मकसद होगा नहीं। चलो भाई कुछ दिन आप यहाँ पे इंजॉय कर लो, फिर इंशाल्लाह आपको नए घर में शिफ्ट करेंगे। अच्छा भाई चाय का टाइम हो गया है और आज चाय के साथ भाई बिस्किट है, आज पी सकते हो ऊपर बैठ के चाय, क्या जगह काशिफ गेट बंद कर दो, मुर्गी चली जाएंगे अंदर। चलो भाई आज चाय बिस्किट जो है वो ऊपर बैठ के पियेंगे, मैं खाते चंद दिन ही ऊपर बैठ के चाय बिस्किट जो है वो हम इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि चाय इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये तो पैक हो जाएगा सारा। चलो आ जाओ काशिफ। चलो भाई आज जो है वो चाय बिस्किट है, असल में आज मेरी जो है ना जबान में छाला हो रहा है, ज़्यादा कोई हैवी चीज़ खाई नहीं जा रही मुझसे, तो आज जो है वो चाय बिस्किट से गुजारा करेंगे। चाय बिस्किट की अपनी भी बात है भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त होता है भाई। ये है पीनट पिक, बिस्मिल्लाह। यार वो क्या क्या रिपोर्ट है काशिफ? रिपोर्ट सही है, लोहे वाली सपोर्ट का देख रहा था मैं, जो गार्डन लगाया था एक तरफ से नीचे वाला। छोड़ दे दिमाग निकाल ले काशिफ, उससे डगमगा गया ना वो। ये सपोर्ट क्या हो रही है, इधर जा रही है? नहीं इधर नहीं जा रही, आगे पीछे सामने डगमगाएगा तो नहीं। नहीं नहीं अभी यहाँ से सीमेंट से पक्का कर देंगे ना उसको, इधर से तो नहीं डगमगाएगा, अभी तो कच्चा पड़ा हुआ है ना, वहाँ से सीमेंट लगा के पक्का कर देंगे, खत्म। बिस्किट खाओ, ही रोक लेगा बिस्किट खाओ, खाओ 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 ना, सीमेंट ही रोक देगा इसको, वैसे फड़ नहीं मारने देगा। काली बात एक बात है, तेरे दो दो तीन डायलॉग बड़े मशहूर हैं, अलग कर दो मेरे हाथ, अलग इधर रख दो चाय। भाई पूरा खा लो तुम, ये मैं सिर्फ एक बिस्किट लूँगा, ये लो पूरा खा लो। लाए किसके लिए थे? मेरे लिए। तुम्हारे लिए लाया था, एक तो तुम्हारा वर्ड है फड़ मार देना। तो फड़ किसको कहते हैं? लोहा जो क्रॉस मार देता है, कोई भी चीज जो है अगर अलाइनमेंट उसकी आउट हो जाए, लोहे में खाली जलाता है। अच्छा लोहे में जलाता है, लकड़ी वकड़ी में नहीं होता, सिर्फ लोहे में। वैसे मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है तो अलाइनमेंट आउट होती है, उसको तुम कहते हो फड़ मार दिया। हाँ मगर लोहे की फील्ड में अच्छा है ना फड़। बाकी तुम्हारा एक मशहूर डायलॉग है वो वाला, कौन सा? क्रॉस को क्या बोलते हो? किरास। क्रॉस को किरास, बड़े यूनिक वर्ड होते हैं ये। और दूसरा एक और भी तो बोलते हो तुम, जिद्दत जिद्दत। यार यार भाई जिद्दत कर रहे हो तुम बहुत। जिद्दत ही होती है असल में, एक काम को दो तीन दफा करो ना जिद्दत में आ जाता है मेरे हिसाब से। एक काम में अगर फंस गए ना आप, उसको रिपीटेडली वही किए जा रहे हो, निकल नहीं पा रहे, बोले यार जिद्दत क्यों कर रहे हो, इस तरीके से करो। एक और बड़ा मशहूर वर्ड है तुम्हारा, कौन सा है वो? अड़ास के काम है। अड़ास के काम क्या होते हैं जरा बताओ, मुश्किल काम जहाँ बंदा फंस जाए, हाथ नहीं चल सकता, पांव नहीं चल सकता, ये है भाई काशिफ के स्पेशल वर्ड्स अड़ास के काम। और कोई है तो ये बताओ। नहीं बस यही आएंगे दिमाग में, आएंगे तो बताएंगे फिर भाई। अभी तो यही है। तो भाई अभी आज की रिपोर्ट ये, अच्छा ये जाली भी हमने लगा दी है ऊपर करके, बस हमने अब ये नीचे पट्टियाँ देनी है, और ये वाला भाई दरवाजा भी हमारा खाली है, इस पर दरवाजा बनाना है, यहाँ पे भी और सामने भी दरवाजा बनाना है। बेसिकली अभी मैं फोकस नीचे वाले पोर्शन को कर रहा हूँ, ताकि वो कंप्लीट करके वहाँ पे हम चूज़े छोड़ सकें। ये तो एक ऐसा ऐसा होता रहेगा, तो अभी बस नीचे की पट्टी लगा के हमने पार्टीशन करना है। अच्छा भाई दोस्तों अभी सीन ये है कि अभी मैं बैटरी लेके आया हूँ, और अब क्योंकि मुझे बाहर जो ब्रूडर सिस्टम बनाना है, तो वहाँ पे ऐसे वाले बल्ब लगाने पड़ेंगे, तो उसकी तैयारी के लिए मैंने एक बैटरी ली है, तो अभी इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और इसको मैंने लोड पे यहाँ पे लगाया हुआ है, तो अभी इसकी जो है वो एम्पेयर आवर जो है कैलकुलेट हो रहे हैं यहाँ पे, तकरीबन 13 एम्पेयर आवर तो इसके निकल के आ चुके हैं। एक्सपेक्टेड इसका जो टाइम है वो 10 घंटे का है, 10 घंटे में इसका लोड पूरा पता चल जाएगा कितना एक्चुअल एम्पेयर आवर की बैटरी है। तो अगर ये फिजिबल होगी तो इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे, और उसको हो सकता है पैरेलल में एक और इसके साथ में ला के लगा दूँ, ताकि जो है वो हमारा जो बाहर ब्रूडर का जो सिस्टम है वो अच्छे से चले, बैकअप मिल जाए। इसके अलावा भाई रैचर की मैं अपडेट ले लूँ, सुबह हमने अपडेट ली थी, एक जो है वो अंडा जो है वो क्रैक हुआ हुआ था, और ये मुझे लोमन ब्राउन का भी लग रहा है शायद क्रैक हो गया, नहीं इसी का शायद क्रैक हो गया, छिलका जो है वो नीचे आया है, और ये मुझे लग रहा है लोमन ब्लैक का भी शायद क्रैक हुआ हुआ है, या उसी का हो सकता है छिलका जो है वो गिर के नीचे आया हुआ है।
बाकी तो मुझे और कोई क्रैक हुआ इसमें नजर नहीं आ रहा। तो भाई ये इनकी अपडेट है, एक ही अंडा जो है वो फिलहाल अभी तक क्रैक हुआ हुआ है और कल जो है वो इनको 21 दिन जो है वो कंप्लीट होंगे। बाकी भाई चूजे क्या कह रहे हैं, चूजे माशाल्लाह से सारे हेल्दी एंड एक्टिव है। ये देखिए भाई माशाल्लाह अच्छा इनकी सफाई भी करनी है, अभी ये काम रह गया है। बाकी भाई कुछ सामान मैं लेके आया हूँ अभी जो हमने ब्रूडर में जो लगाना है या बाहर जो टोटल हमें वायरिंग वगैरह लेके जानी है, कुछ वायर्स मैं लेके आया हूँ। ये 2376 के और ये 4076 के वायर्स हैं, ट्विन कोर, कुछ कनेक्टर्स हैं इसमें शामिल। और ये जो है वो मैं शेड लेके आया हूँ, यानी कि जो अंदर हम हैंग करेंगे ये वो शेड है। शेड मुझे 200 रुपये का एक मिला है और ये जो है इसके शेड के होल्डर हैं, ये 100 रुपये का एक होल्डर मिला। तो टोटल एक शेड जो है वो 300 रुपये का पड़ रहा है। बाकी ये वायर है ये आई थिंक 500 कुछ का है, ये 450 रुपये का है और बाकी ये 50, 60 और ऐसे 100, 110 के ये कनेक्टर है। तो टोटल सामान तकरीबन 2050 रुपये का ये सारा सामान आया है। तो अभी जो है वो वर्किंग देख रहे थे क्या हो रही, पार्टीशन की वजह से भी वर्किंग कर रहे हैं हम लोग। और ये जो है वो काशिप ने यहाँ पे पट्टियाँ लगा दी हैं, ये पट्टी हमने यहाँ पे ग्राउंड से ये लगाई नहीं है अभी। अच्छा इसके सुराख कर दिए, नहीं ये छत पे सुराख कर दिए हैं, इसको लगाने वाले। और ये खड़ी पट्टी लग गई, ये रुकी हुई है, ऐसी रुकी हुई है। तो भाई ये जो है वो इसके जो है वो बिल्कुल अलाइनमेंट में आ रही है और ये यहाँ पे जो है वो इसके अलाइनमेंट पे आ रही है। तो अभी शीट मैंने काटी नहीं है, काट रहा ये लग जाए तो अभी काट लो। हाँ काट के दे दो, मैं सारे काट दूँ। चलो खाना वाना खा लेते उसके बाद देखेंगे, सही है। तो आज वायरिंग होती भी तो मुझे लगा नहीं आ रही है, उम्मीद है इंशाल्लाह ये हम पार्टीशन कंप्लीट कर लें। कल इंशाल्लाह फिर मैं दिन के किसी टाइप पे जो वायरिंग करूँगा। तो ये सीन है भाई अभी तक का, यहाँ का ये अपडेट है रात की। अच्छा भाई दोस्तों हैचर की अपडेट ये है कि भाई माशाल्लाह चूज़ा जो है वो तकरीबन बाहर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने इसको चेक किया था, जस्ट ये शेल को थोड़ा सा इसने ब्रेक किया था, मतलब छोटा सा तो ब्रेक इसने किया था, थोड़ा सा ज़्यादा से ब्रेक कर दिया था, बट अब थोड़ी सी देर में ही माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चूज़ा बाहर आ गया है ऑलमोस्ट। और ये देखें भाई ये तकरीबन बाहर आ गया है माशाल्लाह। बाकी भाई चूज़ों की अपडेट ये है कि सफाई मैंने यहाँ पर अंदर कर दी है और अंदर करके जो है वो कुछ देर ही हुई थी मुझे ये बिछाए हुए कावस के, इन्होंने क्या हाल कर दिया भाई कुछ देर में ही। ये देखें भाई यहाँ पे भी सफाई हो गई है, इनका पानी भी मैंने मज़ीद ऐड कर दिया। अच्छा आज जो है वो लकड़ी का बुरादा बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, तो इस वजह से मैंने ये ऐड नहीं किया, पेपर मैंने ऐड कर दिया था। कल इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे कि लकड़ी का बुरादा ऐड करें। एक्चुअली मुझसे बोला भी नहीं आ रहा है, सब मेरी ज़बान में हो रहा है छाला। और मैं बोलता हूँ ना तो जब ज़बान हल्की सी दांतों से टकराती है ना, दांत से टकराती है तो दर्द होता है और बहुत ज़्यादा। इसी वजह से आज मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाया। मैं अभी काशिप जब शाम में आया था काम कर रहा था, मैं नीचे चला गया था, लेट गया था, हालांकि मुझे पिलाई वगैरह काटनी थी, थोड़ा पेन इतना हो रहा है कि मुझसे जो है वो काम भी नहीं हो रहा था। तो इस वजह से जो है आज जो मैंने प्लान किया था कि पार्टीशन कम्प्लीट कर दूँगा वो हो नहीं पाया। अब कल इंशाल्लाह इस पर वर्किंग करेंगे और जो वायरिंग वगैरह रह गई वो भी इंशाल्लाह कल ही करेंगे। तो भाई दोस्तों ये था आज का ब्लॉग और आज की अपडेट, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो कैंडली लाइक कर दिया और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।